बता दो बालवीर, ये कौन सा यंत्र बनाया है तुमने और हम काललोक में क्या कर रहे हैं? धरती लोक पर कचरा साफ करने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है वैक्यूम क्लीनर। उसी यंत्र की मदद से हम काललोक का कचरा भी साफ करेंगे। लेकिन बालवीर, ये यंत्र काम कैसे करेगा और तुम्हारी योजना क्या है? वैक्यूम क्लीनर के दो सिरे होते हैं। एक सिरा मैंने काललोक में लगाया है और दूसरा सिरा जमीन के मार्ग से उस टापू पर छोड़ दिया है जो डूबता ही जा रहा है। अब जैसे ही तिमनासा, भाईमार और रे वैक्यूम क्लीनर के एक सिरे पर आएंगे तो इस वैक्यूम क्लीनर की शक्ति से खींचकर सीधा उस डूबते हुए टापू पर पहुंच जाएंगे। पर बालवीर, तिमनासा और उसके चमचे तो अपनी जादुई शक्ति से एक पल में टापू से बाहर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे क्योंकि जैसे ही वो लोग वहां पहुंचेंगे तब आप सब परिया माँ की मदद से वहां पर पद्म कवच लगा देंगी। ये पद्म कवच तो वही कवच है जिसके अंदर जादुई शक्तियां काम नहीं करती हैं। हाँ, और यही तो हम चाहते हैं कि तिमनासा, भाईमार और रे उस डूबते हुए टापू पर फंस जाए और उस टापू के डूबते ही हमेशा हमें अलविदा कहकर चले जाए। पर रे तो शिंकाई का निवासी है तो क्या वो पानी के जीवों को अपने वश में नहीं कर पाएगा? नहीं, पद्म कवच के होते हुए रे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसीलिए वो किसी भी समुद्री जीव को अपने वश में नहीं कर पाएगा। पद्म कवच के बाहर से अंदर तो कोई जा सकता है लेकिन अंदर से बाहर कोई नहीं आ सकता। इन लोगों की इतनी हिम्मत के काल लोक की जमीन पर आकर हमें पिंजरे में डालेंगे? देख क्या रही हो तिमनासा, हमला करते हैं बालवीर पे और खत्म करते हैं इस यंत्र को और इस बालवीर को भी। बेमार, ये जो तुम इतना जोश दिखाते हो ना, इसलिए तुम हमेशा हार के आते हो। क्या है ना, तुम्हारा काम है करना जो मैं तुम्हें कहती हूँ। सोचने का काम मेरा है। अब जो पिंजरा बालवीर हमारे लिए तैयार कर रहा है, अफसोस के उस पिंजरे में अब वो खुद और वो विवान दोनों आकर फंस जाएंगे। उसके लिए तो हमें दोनों बालवीरों को इस रेड सर्कल तक लाना होगा, राइट क्वीन तिमनासा? बिल्कुल सही। अरे क्या राइट, क्या बिल्कुल सही? अरे वो बालवीर है बालवीर, आप लोगों को क्या लगता वो यहाँ पे आएगा, इस लाल गड्ढे के सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा चलो 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 पिंजरे में कूद जाते हैं? तौबा 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 जी, हम उन्हें यहाँ तक लाने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हमें क्या करना है क्वीन तिमनासा? अब तुम दोनों किसी भी तरह से उन दोनों बालवीरों से हाथ मिलाना होगा। जैसे ही तुम दोनों उन दोनों से हाथ मिलाओगे वैसे ही उन दोनों का शरीर तुम दोनों के अंदर आ जाएगा और उसके बाद हम दोनों बालवीरों को लाके इस लाल घेरे में डाल देंगे, वो गड्ढा जो बालवीर ने हमारे लिए खोदा था। राजा वो सब ठीक है लेकिन बालवीर पलक झपक गई उस टापू से भाग गया तो? तौबा तौबा, अभी तो अपनी इस काली जबान से शुभ शुभ बोल लिया करो। नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है
ये पद्म कवच सिर्फ वीरलोक वालों के पास है। जैसे ही वो दोनों बेवकूफ उस टापू के ऊपर आएंगे, वैसे ही मैं उस टापू के बाहर काल लोक का बुरा पद्म कवच लगा दूंगी और उसके बाद उनकी जादुई शक्तियां वहां काम नहीं कर पाएंगी और वो लोग अपने ही कब्र में दफन हो जाएंगे। अरे कोई टिमनासा, मैं गलती से विवान की जगह अनन्या को किडनैप करके ले आया। बट डोंट वरी, आप मुझे दूसरा ब्रेसलेट दे दीजिए, मैं भी अपनी मिस्टेक सुधार लूंगा। अब हमारे पास वक्त नहीं है रे, क्योंकि विवान को पता चल चुका है कि अनन्या हमारे पास है। टिमनासा, इससे पहले वीरलोक वाले हमारी योजना को भाप लें और अपना वो यंत्र वहां से हटा लें, हमें अनन्या और बालवीर को उस टापू पर गिरा देना चाहिए। अब मैं तुम दोनों को टापू के पास मिलूंगी। कि बालवीर और अनन्या इस डूबते हुए टापू पर, तुम्हारी चाल को तुम्हारे गाल पे चढ़ रहे हैं। Enjoy the weather, बालवीर। अनन्या, अनन्या, तुम दोनों जाकर बालवीर और अनन्या की मदद करो, तब तक मैं इन दोनों को बुराई का कवच बनाने से रोकती हूँ। ठीक है बालवीर। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर कैसा लग रहा है मेरी रंग बिरंगी तितलियों जैसी मूर्ख परियों? अनन्या को ठीक करने के लिए उसे प्राण जोड़ देनी पड़ी। तो ये रहा तुम्हारा बोनेंजा अटैक। बुराई का कवच अब बंद हो चुका है टिमनासा, इस टापू पर अब बालवीर की शक्तियां काम नहीं करेंगी और परियां भी बाहर से शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगी। चुल्लू भर पानी में डूबेंगे ये लोग इस डूबते हुए टापू पर।
महसूस कि अब बालवीर और अनन्या के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा और सूरज डूबने के साथ ही ये टापू पूरी तरह पानी में डूब जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएगा बड़ा बालवीर। Two down, one more to go. अनन्या, तुम ठीक हो ना? सो क्वीन टिम्नास, कैसा लगा आपको मेरा भेजा हुआ क्रैब? बहुत खूब। वैसे मुझे इस नई पीढ़ी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए इतने उतावले रहते। अब यही देख लो कि तुम बालवीर की मौत के लिए टापू को पूरा डूबते हुए भी नहीं देखना चाहते। तारीफ के लिए शुक्रिया क्वीन टिम्नास। वैसे पुरानी पीढ़ी की भी एक कहावत है कि नेक अप बुरे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। बहुत खूब, अब बालवीर और इस अनन्या को वो केकड़ा खा जाएगा। सॉरी, ये आप लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये लोग अपनी आदिवासी भाषा में बोल रहे हैं। मुझे इनकी बात समझने के लिए मैजिक से इनकी भाषा बदलनी होगी। अब बताइए, तू ही वो बच्चा चोर है ना जो हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले जाता है? अब तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। अरे अरे रुको 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 रुको, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है तू? अगर जिंदा बच के जाना चाहता है तो सच सच बता। हमारे कबीले से बच्चे चुरा कर ले गया था, बता कहाँ है वो बच्चे? बच्चे? अरे मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कोई बच्चा नहीं चुराया। मैं बच्चा चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बालवीर हूँ और बच्चों की रक्षा करता हूँ। चुप! झूठ बोल रहा है ये। अरे 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 रुको, अरे मेरा यकीन करो, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। बापू बापू, ये तो बालवीर है, ये कोई ऊर्जा भक्षक नहीं है, ये तो बच्चों के रक्षक है। क्या? ये ऊर्जा भक्षक कौन है? बालवीर, ऊर्जा भक्षक एक अनजान प्राणी है जो हर दिन हमारे कबीले से एक बच्चा चुरा कर ले जाता है। उसके बाद बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिलती हमें। उस जादुई महाशक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए अब मुझे इन बच्चों की ऊर्जा खींचनी पड़ेगी इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए। इसी तरह से हमारे कबीले से एक एक करके सारे बच्चे गायब होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी हो गए, ये माताएं भी बहुत दुखी है। हमारी मदद करो बालवीर। हाँ, हमारी मदद करो। कायनारु कोरंबी तो। अरे कौन सी भाषा बोल रहा है ये बच्चा? अरे ये तो आप ही की भाषा। एक मिनट, अब बोलो क्या बोल रहे थे? राजा जी, ऊर्जा भक्षक एक और बच्चे को ले गया। बालवीर, हमारी मदद करो बालवीर। हाँ, बहुत परेशान। हमारी मदद करो। वैसे तो मैं यहाँ पर त्रिनेत्र क्रो को ढूंढने आया था। क्या, त्रिनेत्र काक? अरे वो कहाँ रहता है हमें पता है। अगर तुम ऊर्जा भक्षक से हमारे बच्चों की रक्षा कर दोगे ना, हम तुम्हें उसका पता बता देंगे।
बालवीर हमारी मदद कर दो। देखिए मुखिया जी, ये शर्त रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चों को नुकसान पहुंचा है वो बालवीर का दुश्मन है, और बच्चों की मदद करना बालवीर की पहली जिम्मेदारी है। समय बहुत कम है, मुझे देवू भैया को उस डूबते आइलैंड से निकालना होगा। स्टूपिड क्रैब, हमें नारियल पानी पीने का चांस नहीं दे रहा, उल्टा हमारा खून पीने का ही चांस मार रहा है। ये किकड़ा है, कोई मच्छर नहीं जो तुम्हारा खून पिएगा। तो मुझे क्रैब और मच्छर के बीच का डिफरेंस मत बताओ, और ये सोचो कि इससे बचे कैसे। सोच ली। इतनी जल्दी? जितना नारियल पानी पीना है पियो। ओके ओके, अब ज्यादा शो ऑफ मत करो। जाओ यहां से। गुस्सा मत करो अनन्या, क्योंकि ये कोई मक्खी नहीं, एक योजना है। हम तैर नहीं सकते, उड़ तो सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर्स नहीं चल रही, तो उड़ने के सपने क्यों देख रहे हो। मैं जादुई शक्तियों से उड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक विमान बनाने की। ओह रियली? लेकिन माय डियर बालवीर, तुम ये खयाली एरोप्लेन बनाओगे कैसे, नारियल के पेड़ से? जब भगवान मुसीबत देते हैं तो उस मुसीबत को हल करने के लिए रास्ता भी खुद ही देते हैं। वो देखो, वो रहे विमान के हिस्से। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एंथू नहीं हो रहे, प्लेन को चलाने के लिए पावर कहां से लाओगे? स्माइल क्यों दे रहे हो, आंसर दो, कैसे उड़ाओगे प्लेन? आलू से। आलू से? वो देखो, आलू की कितनी बड़ी फसल है यहाँ पर। तुम्हारे दिमाग का भरता बन गया है क्या? आलू से प्लेन कैसे उड़ाओगे? जैसे एक एटम बम के अंदर कई सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह आलू के अंदर भी हमेशा रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है। उसी का फायदा उठाकर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। मुखिया जी, अब वो समय आ चुका है, अब मुझे त्रिनेत्री क्रो का पता बताइए। देखो बालवीर, आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है, क्योंकि आप अब तक हमारे बच्चों को ढूंढ नहीं पाए हो। देखें, आप सबके बच्चे उस त्रिनेत्र क्रो के पास ही है, और जिसे आप सब ऊर्जा भक्षक समझ रहे थे वही त्रिनेत्र क्रो है। ओए ऊर्जा भक्षक और प्रेडेटर, क्या हमेशा कायरों की तरह छुप कर वार करते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ? अरे ओ प्रीडेटर, कब तक मुझसे लुका छुपी खेलोगे? हाँ, तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक मच्छर हो, कायर कहीं के। Ah.
मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़े, लेकिन अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, क्योंकि तुम ही हो वो त्रिनेत्र क्रो। इसलिए तो तुम स्केयर क्रो से डर गए। मैं आप सबके लिए एक प्रमाण लाया। प्रमाण? कैसा प्रमाण? एक मिनट। हे त्रिनेत्र क्रो का पंख, मुझे ऊर्जा भक्षक का पीछा करते हुए मिला। ठीक है बालवीर, मैं आपको उसका पता बता रहा हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पे त्रिनेत्र काग का घोंसला बना हुआ है। थैंक यू मुखिया जी, आपने ये एड्रेस बताकर सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों की जान बचाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा है, क्योंकि त्रिनेत्र काग ने अपने घोंसले के आस पास बहुत से छुपे हुए जाल बिछा रखे है। फिकर नॉट, जाल तोड़ने में तो मैं माहिर हूँ। और सूरज डूबने से पहले त्रिनेत्रा को ढूंढना होगा, नहीं तो दीपू भैया उस डूबते आइलैंड के साथ डूब जाएंगे। बस इतने आलू काफी है, चलो चलते हैं। बालवीर ये आइलैंड अबॉर्डे नहीं रहेगा। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ अनन्या। विमान चलाने के लिए अब हमारे पास जरूरी सामान आ गया है। शार्क और इस डूबते हुए आइलैंड से हम बचकर आसमान में उड़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो और मुस्कुराओ। बिना जादुई शक्तियों के जिंदा रहने के लिए बालवीर को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सोचो तिमनासा, अब इस दुनिया के रक्षक बालवीर जब मछलियों के पेट का खाना बनेगा तो और कितना मजा आएगा। प्लीज कुछ करो, मुझे मरना नहीं है। तुम मुझे धक्का खा देती बेटा, प्लीज कुछ करो। आ गया।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.